नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आज आपके लिए फिर एक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है भीड़ में खोया आदमी। यह कहानी लीलाधर शर्मा जी द्वारा रचित है, जिसमें लेखक ने देश की बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों पर चिंता व्यक्त की है। लेखक ने कटु सत्य की ओर संकेत किया है कि यदि घरों, दफ्तरों, स्टेशनों, सड़कों, राशन की दुकानों आदि पर भीड़ बढ़ती जाएगी तो पूरा देश अवनति हुआ कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अधिक भीड़ के लिए अधिक अन्न, अधिक आवास व अधिक रोजगार के अवसर चाहिए, परंतु साधन सीमित हैं। इस सीमित साधनों के अनुसार ही हमें अपने परिवारों को नियोजित करना होगा। बाबू श्यामला कांत तथा उनके परिवार के जीवन के कथा प्रसंग द्वारा निबंधकार ने इस ओर संकेत दिया है। कहानी। मेरे एक भिन्न मित्र हैं बाबू श्यामला कांत। सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। उम्र में मुझसे छोटे हैं, पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहां पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने को भी जगह नहीं है और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी है। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कूली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर ना धकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी पड़ी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ, पूरी ट्रेन की छत पर यात्रियों से पटी पड़ी है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन के छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं होगा। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला कांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए थे, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उसकी सहायता क्यों नहीं लेते। कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था, पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोले, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत रखना, तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में रोजगारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसमठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं। वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। शहर पहले
पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है। फिर भी मेरी तरह ना जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही यह दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और उद्यान घट रहे हैं। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी तीन छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े दो लड़के। मैं उनकी दुर्लभ काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ है? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी, बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वहां भी अच्छी तरह किस किस को देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन यह जिस भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, जब उसे भी चिरौसी सी करनी पड़ती है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई है, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही है। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया स्वर सुनाई दिया, माँ जल्दी से एक कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा, आखिर इस सब का कारण क्या है? मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए हैं, बनते जाते हैं, रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं, रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुविधा ना हो जाए, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्पताल जाता है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों की दूषित वातावरण से होता है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन का दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती है। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन
व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता, वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब भी भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपत्ति को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं उस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा।